बिहार में बढ़ते अपराध पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने फिर सरकार पर हमला बोला है। बिहार के प्रतिष्ठित महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान में कई अध्यापक बनने को लेकर प्रधान अध्यापक बनने को लेकर तैयार नहीं है, क्योंकि इन परिसरों पर गुंडे और माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। शिक्षा के मंदिरों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जब कक्षा की घंटियां और शैक्षणिक वाद विवाद की आवाज की बजाय गोलियों और बमों की आवाज गूंजने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि जंगल राज स्थापित हो चुका है, कुशासन अपनी चरम पे है। यही कुछ हालात हैं पटना विश्वविद्यालय और बिहार के बाकी कॉलेजेस का। 160 साल पुराना कॉलेज है पटना कॉलेज। ब्रितानी उपन्यासकार ईएम फॉरेस्टर ने अपनी किताब ए पैसेज टू इंडिया में पटना कॉलेज को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा था, और आज उस पूर्व के ऑक्सफोर्ड के प्रधानाध्यापक के पद के लिए कोई तैयार नहीं है, उसका प्रिंसिपल कोई नहीं बनना चाहता है। तरुण कुमार जी जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके बाद सीनियर मोस्ट रविंद्र कुमार जी को निवेदन किया गया, उन्होंने मना कर दिया। उनके बाद जो सीनियर मोस्ट है संजय जी वगैरह वगैरह सबने मना कर दिया। कारण यह है कि पटना कॉलेज और बाकी सारे कॉलेजेस जो बिहार के हैं उन पे माफियाओं और गुंडों ने कब्जा कर रखा है। लालू प्रसाद यादव और राजद के माफिया और गुंडे बिहार के शैक्षणिक परिसरों में काबिज हो गए हैं, और जिन कॉलेज जिन यूनिवर्सिटीज से पहले कभी स्कॉलर्स निकला करते थे आज के दिन में वहां से गुंडे और माफिया निकल रहे हैं। राजद के अपराध की फैक्ट्री में नई भर्तियां हो रही हैं। लालू प्रसाद यादव के सरकार में आने का यह मनोवैज्ञानिक इफेक्ट है। लालू प्रसाद यादव सरकार में आएंगे तो यह सब होगा ही होगा, और जो लोग बिहार की इस बदहाली पे चुप बैठे हैं, जो तटस्थ हैं, बिहार उन्हें कभी माफ नहीं। नमस्कार, न्यूज बायस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सिमरन हुसैन। जैसे जैसे 2024 के इलेक्शन के नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से संगठन को मजबूत करने के कवायद में जुड़ चुकी है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की अहम बैठक हुई। इस मौके पर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक अनवर आलम उर्फ नवाज आलम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन मजबूती को लेकर मंथन किया गया। संगठन को धारदार बनाना, मजबूत करना, और जो पार्टी का निर्देश है भाई तेजस्वी के जो संदेश हैं, जो भरोसा है, जो एतमाद है, उसको सरजमीन पर कैसे हम उतारें, उस कड़ी में आज प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों की बैठक है। और बैठक में हम लोगों ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जानिब से एक संदेश दिया है कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मतलब आम तरीके से लोग समझता कि ये जो है सिर्फ मुसलमानों का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। मेरा मानना है कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में जो संविधानिक अधिकार दिया गया है, सिख, बैद, बौद्ध, जैन, तमाम क्रिश्चियन, तमाम लोग हैं, और उस कड़ी में ही हमारे बीच में आप देख रहे होंगे हमारे पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं संगठन के सरदार संजू सिंह जी, और दूसरे जो है जैन समाज से आते हैं प्रशांत किशोर कुमार जैन जी, जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, यहाँ बैठे हुए हैं पवन कुमार अग्रवाल जी जो क्रिश्चियन समुदाय से आते, यहाँ रियाज अंसारी साहब बैठे हुए हैं जो उपाध्यक्ष हैं यहाँ पार्टी के, ऐसे तमाम लोग इंजीनियर जो है यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम लोग हम लोग जो है मिलकर एक पार्टी को सरजमीन पर उतारने की एक तैयारी कर रहे हैं, और वो अमली जामा इंशाल्लाह रहमान जरूर पहनाएंगे ताकि 2024 का हम लोग चुनाव कैसे फतह कर सकें। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफा की खबर पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस्तीफे को लेकर पार्टी को सूचना नहीं है, अटकोले को आप लोग ही पैदा करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि 29 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठक लाजमी है, चुनाव में क्या रणनीति होगी इस पर आगे बात की जाएगी। इंडी गठबंधन में काफी पार्टी है, सीटों के शेयरिंग के लिए बैठक हो रही है, ललन सिंह के इस्तीफे की बात में सच्चाई नहीं है और जेडीयू के अंदर कोई कहल नहीं है। ऐसी खबर आपको भले आ रही है लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। ललन सिंह की खबर
ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर पूरा चर्चा हो रही है सर। क्या ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर चर्चा हर जगह हो रही है? कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। काफी अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी रहेंगे तो आज अब एक आदमी बोलिएगा तब ना। क्या उनतीस तारीख को जो न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, दो दो चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिए बिल्कुल सामने आ गया। तो उस परिस्थिति में जनता दल यूपी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लाजमी है कि उन चुनावों में हमें हमारी क्या रणनीति होगी, या हमारे जितने वर्गन या अलग अलग प्रदेशों से भी जो हमारे पार्टी के अधिकारीगण आएंगे वो इन मुद्दों पर आगे बात करना चाहते हैं, कैसे बात बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इंडी गठबंधन जो है, जो इंडी अलायंस है, इसमें भी अनेक पार्टियां हैं, चुनाव सामने है, सीटों के बंटवारे पे बात होनी है, तो इन सब मुद्दों पर तो पार्टी के अंदरूनी फोरम में या हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसमें बैठक करके इन मुद्दों पर विचार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पटना पहुंचे, इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की शहादत पर हम मत्था टेकने हरमंदिर साहिब के दरबार पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पटना की धरती पर आकर मत्था टेकने का मुझे सौभाग्य मिला है। आगे उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य है कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है तो दूसरी तरफ समूचा देश वीर बाल दिवस मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के दिन नीचे कीजिए एनआई मुझे श्री हरमंदिर जी पटना साहब आके माथा टेकने का सौभाग्य मिला। ठीक है, आपको याद है कि याद होगा पिछले वर्ष 9 जनवरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 26 जनवरी को 26 दिसंबर को 9 जनवरी को कहा था कि 26 दिसंबर को हम जो शहादत है साहिबजादों की उसको बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, और ये देखिए आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जो विकास की गति में है, आज हम दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था जो है 5वें स्थान पे है। बहुत जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व भर की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से होगी। विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी मिलिंद परंदे आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां विहिप के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि के उद्घाटन के साथ ही अगले दिन से आम लोगों के लिए द्वार खोल दिया जाएगा। 22 तारीख के बाद में पूर्ण देश भर के राज्य से जो कार्यकर्ता इसमें लगे हुए थे इस आंदोलन में, वो 26 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे, 27 से दर्शन वो करेंगे। तो बिहार से भी कार्यकर्ता जाने वाले हैं, मगर सामान्य समाज तो दूसरे दिन से ही चालू हो जाएगा, 23 तारीख से ही जाना शुरू हो जाएगा। पूर्ण देश भर के श्रद्धालु 23 तारीख से ही आना शुरू हो जाएंगे। कितने लोगों के जुटने की का अनुमान है सर? एक बड़ा भव्य हिंदुओं के आस्था मुझे लगता है कि पहले दिन के कार्यक्रम में तो 7-8 हज़ार लोग विशिष्ट अतिथि रहेंगे, पूजनीय सरसंघ चालक जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद में प्रतिदिन तो लाखों लोग भक्त आएंगे वहाँ पर, दर्शन शुरू हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने क्या कुछ तैयारी की है श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए बिहार से? बिहार से जो कार्यकर्ता आ रहे, सभी श्रद्धालु तो हम लेके जाने की स्थिति में नहीं है, वो तो एक तीर्थस्थल है, सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था से जाएंगे, मगर इस आंदोलन के साथ में जो हजारों लोग जुड़े हुए थे पहले से, तो उनमें से कुछ लोग और 22 तारीख को कुछ बलिदानी जो हो गए थे इस आंदोलन में, उनके रिश्तेदार ऐसे लोग जाएंगे।
कितने लोगों के लिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस की बैठक बुलाई है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह समेत कई नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस की बैठक बुलाई है और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह समेत कई नेता जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश ने बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली का रुख किया। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस की बैठक बुलाई। तो ये बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस की बैठक बुलाई है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। अखिलेश सिंह समेत कई नेता जो है बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हुए।